सर्दी के मौसम में सुबह उठकर सबसे पहले इसके दो चम्मच खा लो चाहे पचास साठ साल के बड़े बुजुर्ग हो या सात आठ साल के छोटे बच्चे हो सब इसे खाकर तंदुरुस्त हो जाएंगे क्योंकि ये सबकी सेहत का खजाना है इसे हम ऐसी फ़ायदेमंद चीज़ों से बनाएंगे जो कि सर्दियों के लिए वरदान है और इससे हड्डियाँ रहेगी मजबूत बीमारियां रहेगी कोसो दूर और एनर्जी मिलेगी भरपूर और स्वाद इसका ऐसा है कि आपको बस भा जाएगा पर सबसे पहले हेलो एवरीवन ईट नीटिया पर आपका स्वागत है आज मैं आपसे अपनी खास रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो फिर चलिए जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई को रखेंगे और इसे धीमी आंच पर गर्म करेंगे और जो चीज़ हमें सबसे पहले यूज़ करनी है वो है ये खोपरा यानी कि ड्राई कोकोनट और इसको हम गोलाब भी कहते हैं और इसको मैंने अभी अभी कद्दूकस करके लिया है ये डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है इसे अपने डाइट में लेने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है इसमें क्योंकि गुड फैट्स होते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता थायराइड पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छा होता है फ़ाइबर इसमें ढेर सारा पाया जाता है और इम्यूनी सिस्टम के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है तो आप भी कोशिश करें कि इस तरह से खोपरा यानी कि ड्राई कोकोनट को घिस ही आप यूज़ करें ये मैंने आधा कप लिया है और फिर इसके बाद हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे जो कि आप चाहें तो अपनी पसंद से इसमें ऐड कर सकते हैं मैंने कुछ बादाम लिए हैं पिस्ता लिए हैं काजू लिए हैं और ये कुछ चिरौंजी है जिसको कि चारोली के नाम से भी जाना जाता है तो बस थोड़ा थोड़ा ही मैंने ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं क्योंकि ये हमें इसमें ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मेन चीज़ हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं इनसे हमें बस इनको टेस्ट के लिए ऐड करना है और थोड़ा सा इन चीज़ों को भून लेना है तो ये देखिए यहाँ पर बस अब ये जो खोपरा है वो अपना कलर चेंज करने लगा है तो बस हम यहाँ तुरंत ही गैस के आँच को बंद कर देंगे और इन सब चीजों को हम एक प्लेट पर निकाल कर साइड में रख लेंगे अब दोबारा से हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे वन फोर्थ कप शुद्ध देसी घी यहाँ पर आप गाय का शुद्ध घी अगर आपके पास हो तो वो इस्तेमाल करिएगा क्योंकि सर्दियों में वो बहुत अच्छा रहता है उसके ढेर सारे फ़ायदे होते हैं और या फिर घर पर मलाई निकाला हुआ घी भी हो तो वो भी बेस्ट रहता है तो अब घी को हमें गर्म करना है और इसमें हमें फ्राई करना है गोंद तो ये देखिए ये गोंद है जो कि क्रिस्टल जैसा लग रहा है और एकदम चमकीला है इससे बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं ये स्टेमिना को बढ़ाता है हड्डियों के लिए बहुत अच्छा रहता है जॉइंट पेन इससे कम रहता है इसकी तासीर गर्म होती है तो सर्दियों के लिए ये बहुत अच्छा है इम्यून सिस्टम को ये अच्छा रखता है ये विटामिन डी के लेवल को बढ़ाता है अगर कमर में आपके दर्द रहता है तो इसे आपको अपनी डाइट में ज़रूर लेना चाहिए और सभी बच्चे बड़े बूढ़े सब लिए ये बहुत अच्छा है अब यहाँ पर हम पहले घी को मीडियम स्लो आँच पर अच्छे से गर्म करेंगे और फिर गोंद को फ्राई करेंगे गोंद को इंग्लिश में एडिबल गम कहा जाता है और बाकी हम इसे ढिंक या फिर सर्दियों वाला गोंद के नाम से जानते हैं जहाँ से भी आप ड्राई फ्रूट्स लाते हैं वहाँ पर यह आपको आसानी से मिल जाएगा हमें गोंद को घी में तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये एकदम अच्छे से फूल ना जाए तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से फूल गया है और एकदम क्रिस्पी हो चुका है तो बस ये गोंद को हम कढ़ाई में से निकाल कर साइड में रख लेंगे अब कढ़ाई में थोड़ा सा घी बचा हुआ तो है लेकिन हमें इसमें वन फोर्थ कप घी और डालना है और इसे गर्म करना है इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप गेहूं का आटा ये वही आटा है जिससे कि हम रोटियां बनाते हैं और इसको मैंने अच्छे से छान कर लिया है आटे का जो चोकर होता है वो हमें नहीं लेना है और बस धीमे आंच पर अब हम इसको पहले घी के साथ मिला लेंगे और फिर दो मिनट के लिए इसको भून लेंगे आप चाहें तो सिर्फ़ इसमें आटा का ही इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अब अगर आपको इसका सेहत और इसका स्वाद डबल करना है तो हम इसमें एक चीज़ और शामिल करेंगे जो कि है बेसन तो ये देखिए मैंने आधा कप बेसन लिया है और बेसन दाल का बना होता है जिससे कि इसमें ढेर सारा प्रोटीन होता है साथ ही साथ विटामिन्स और मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं ये फाइबर रिच होता है तो पेट भरा भरा रहता है और जल्दी भूख नहीं लगती है और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बेसन बहुत अच्छा रहता है तो ये मैंने इन दोनों को ही घी में अच्छे से मिला लिया है और अभी मुझे इसमें घी थोड़ा सा कम लग रहा है तो एक से दो चम्मच घी हम इसमें और डाल देंगे और इसे अच्छे से हमें धीमी आँच पर भूनना है अब सारी हेल्दी हेल्दी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो मीठा करने के लिए भी हम हेल्दी सब्सटिट्यूट का इस्तेमाल करेंगे जो कि होता है गुड़ तो ये मैंने गुड़ को छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है और ये एक कप गुड़ है गुड़ में होता है ढेर सारा आयरन जिससे कि खून की कमी नहीं होती है ये खून को साफ भी करता है लीवर को डिटॉक्स करता है डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और जॉइंट पेन में भी ये रिलीफ देता है तो गुड़ का इस्तेमाल करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है अब यहाँ पर गुड़ के अंदर हमने जितना एक कप गुड़ लिया है उतना हम इसमें तीन कप पानी डाल देंगे इसके हमें चाशनी नहीं बनानी है बस जैसे ही गुड़ इस तरह से पानी में अच्छे से घुल जाएगा और पानी में एक उबाल आ जाएगा बस तब तक ही हमें इसे बॉयल करना है इधर आप देखिए आटा और बेसन की अच्छे से भुनाई हो जाने के बाद ये पूरा घी छोड़ देते हैं तो आप देखिए यहाँ पर इनका जो कलर है वो भी बहुत अच्छे से चेंज हो गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है तो अब इसी टाइम हम इसमें डालेंगे ये एक टेबल स्पून सौंठ का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर इससे इसकी जो इम्यूनिटी बूस्टर पावर है वो डबल हो जाएगी ये हमें सर्दी जुकाम से बचाएगा और क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लोमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है तो हमें इसको बस इन दोनों चीज़ों के साथ मिला करके हल्का सा भून लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और फिर उसके बाद हम इसमें ये गुड़ वाला पानी डालेंगे इसे हम छलनी से छान कर डालेंगे ताकि गुड़ की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होगी वो अलग हो जाएगी और ये सारा ही पानी हमें एक साथ इसमें डाल देना है और धीमी आँच रखनी है और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ी ही देर में हलवा गाढ़ा होने लगेगा और बस हमें अब इसको अच्छे से पकाना है ताकि जो घी है वो दोबारा से रिलीज हो जाए तो ये जो हमने खोपरा और कुछ ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखा है वो हम इसमें डालकर मिला लेंगे अब इसके लिए मैंने एक चीज़ और ली है वो है ये जायफल यानी कि नटमिक ये दिखने में सुपारी की तरह होता है लेकिन एक मसाला होता है जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और साथ ही फ़ायदे भी ढेर सारे होते हैं तो आप चाहें तो इसका पाउडर बनाकर इसमें डाल सकते हैं या फिर इस तरह से घिसकर इसमें डाल सकते हैं तकरीबन एक से दो पिंच ही हमें इसमें ये जायफल ऐड करना है फिर इसके बाद हम इसमें ये एक टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डालेंगे और इन दोनों ही चीज़ों को इस हलवे में अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें ये फ्राई किया हुआ गोंद डाल देंगे गोंद के वैसे तो आपने लड्डू बहुत खाए होंगे लेकिन ये हलवा कुछ स्पेशल है और इसका स्वाद भी स्पेशल है तो आप इसे बना करके ज़रूर खाना और इसी के साथ साथ मैंने एक मखाना हलवा की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है तो आप उसे भी सर्दी में ज़रूर से बनाएं और खाएं और इस बार सर्दी में इन दोनों ही हलवों से अपनी सेहत बनाएँ पहले हम गोंद को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे ढक कर धीमी पर पकने देंगे सात से आठ मिनट के बाद गोंद इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा यहाँ पर हमें गोंद को इसमें तोड़कर या पाउडर बनाकर डालने की ज़रूरत नहीं है गोंद इसमें खुद ही घुल जाएगा और ये देखिए हमारा हलवा बिल्कुल परफेक्टली तैयार है जब ये ठंडा होगा तो ये और भी अच्छे से सेट हो जाएगा तो बस यहाँ पर अब हमें इसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है ये हमारा गोंद गुड़ आटा और बेसन का हलवा बन करके तैयार है इस गोंद के हलवे को आप पूरी सर्दी अगर खा लेते हैं तो पूरे साल आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहेगी कोई भी आपके अंदर विटामिन की, की कमी नहीं होगी क्योंकि ढेर सारे फायदेमंद चीजों को मिला करके हमने ये हलवा बनाया है और इसे आप सर्दियों की दवाई की तरह अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं डेली सुबह उठ दूध के साथ आप दो से तीन चम्मच ये हलवा खा लीजिए बस आपका काम हो जाएगा और पूरे दिन आपकी एनर्जी बनी रहेगी बच्चे बड़े बुजुर्ग लेडीज जेंट्स सभी इसे खा सकते हैं और अगर न्यू मदर्स है या प्रेगनेंट वुमेन है तो यह आप उनके लिए जरूर से बनाकर रखें और 15 से 20 दिनों तक हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं मेरी ये गोंद हलवा की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आपको इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें सभी के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ईट टी अमीशाज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी मेरी ऐसी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें और नए रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेलाइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं टिल देन एन्जॉय दिस गोंद का हलवा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट टी अमीशाज़